हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और कैसा रहा आप सबका संडे? आई होप सबका संडे तो अच्छा ही होगा। खैर, तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष आते हैं अपनी दाढ़ी लगाने के लिए, जिससे दादी को ज़्यादा शक ना हो, क्योंकि अभी तक दादी ने उनका फेस नहीं टच किया था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और टेंशन में भी थे, तो श्रुति दादी को पानी पिलाती और पानी पिला के कहती है, दादी बस मैं भी आई। तो दादी कहती है, कहाँ जा रही हो और तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? तो कहती है कि अभी आई दादी, वो गए हैं वॉशरूम बताया, तो मैं चाय चढ़ा के आती हूँ आप लोगों के लिए। तो कहते हैं, जाओ बेटा जाओ, चढ़ाओ, चाय चढ़ा रही हो कि हमें बना रही हो? कहती दादी आप भी ना, आपको क्यों बनाऊंगी, अभी आती हूँ बस। ये कह के वो जाती है और तुरंत चाय चढ़ा देती है कम आँच पे और इशारा करती है जूही की तरफ। तो जूही किचन में जाती है, कहती तू चाय देखती रह, मैं बस अभी आई थोड़ी देर में। तो कहती क्या हुआ? कहती है तेरे जीजू के पास जा रही हूँ, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है आती हूँ मैं अभी। तो कहती हैं बट हुआ क्या? कहते हैं अरे यार, पता है कितने टेंशन में होंगे, उनके लिए सब एकदम नया नया है और इस तरह से उन्हें करना पड़ रहा है, उन्हें बहुत टेंशन हो रही होगी, मुझे पता है। दादी ने तो आते ही उनकी खिंचाई कर ली। खैर, जूही बोलते ठीक है जाइए, मैं चाय देखती हूँ। तो श्रुति उसको खड़ा करके और चुपचाप अक्ष के पास रूम में जाती है। अक्ष वहाँ अपने सेव लगा दाढ़ी लगा रहे होते हैं मिरर के सामने। श्रुति पीछे से जाती है और अक्ष की नज़र पड़ती है श्रुति पे। तो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे जो दादी आई है ना, चाय वगैरह दो। तो वो अक्ष को हक करती है, ज़ोर से कहती है आप ठीक हो ना? कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? दादी ने आपको ज़्यादा, कहती अरे पागल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, दादी हैं वो, हक है उनका, कुछ भी कह सकती हैं। वैसे तुम्हारी दादी, अब पता चला मुझे तुम गई किस पे हो। कहती मतलब? कहती हैं बुढ़ापे में भी काफ़ी हॉट हैं तुम्हारी दादी, हाँ जवानी में तो कह ढाए होंगे इन्होंने, दादाजी तो पल्लू भी नहीं छोड़ते होंगे। कहती हाँ, दादी जी की तरह मैं हूँ और दादाजी की तरह शायद आप हो, है ना, पल्लू नहीं छोड़ते होंगे, फालतू की बात करा लो। तो अक्ष कहते हैं अब आज तुम इतनी हॉट लग रही हो ना, और आज दादी आ गई हैं, कसम से ये गलत है, तुम मेरे साथ हमेशा गलत करती हो। तो श्रुति कहती है कि यार एक बात बताओ, मम्मी ने आपको क्या खा के पैदा किया है? कहती क्या मतलब? देखिए हर वक्त मूड में रहते हो, हाँ टेंशन नहीं हो रही है किस बात की? अभी दादी नीचे है, वो कुछ पूछ लें या तो आपको पकड़ लें तो? कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारी दादी इंटेलिजेंट है आई नो, बट बेवकूफ़ तो हम भी नहीं हैं, हाँ। तो ये कह के वो श्रुति को बाँव में भर लेती है। श्रुति कहती है देखा, मौका मिलना चाहिए आपको, मौके पे चौका तो कोई आपसे सीखे बस मारना। तो कहती है कि अब एक बात बताओ, जिसके पास इतनी खूबसूरत बीवी हो, ऊपर से वो इतनी पंठन के बैठी हो, अब उसकी खूबसूरती का हम लुत्फ़ भी ना उठाएं, तब तो ऐसी खूबसूरती बेकार है ना। खूबसूरती किस लिए दी गई होती है? कि कोई उसकी तारीफ कर सके, कोई उसका स्वाद चख सके। अब ये सब करने के लिए तो हम ही है ना आपके पास, जब तक हम ये सब करेंगे नहीं, आपकी खूबसूरती पे चार चांद कैसे लगेंगे? कहती एक्सक्यूज मी, मेरी खूबसूरती पे ऑलरेडी बहुत सारे चांद हैं, ठीक है अभी आप दाढ़ी लगा ली कि हाँ देख लो आपके सामने है। कहती है यार आप तो
कसम से माचो वाला लुक आ रहा है। अरे तो अक्ष कहते हैं कि आ तो रहा है, तो श्रुति ऐसे आगे बढ़ने लगती है हल्का हल्का। अक्ष उसे तुरंत छोड़ देती है, कहती है हाँ क्या, कहती है कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जो भी तो चाहे सर्व कर ही देगी, तब तक हम कुछ और सर्व कर लें। तो अक्ष कहते हैं कि क्या मतलब क्या, जब देखो तो अश्लील बातें, हाँ कैसी कैसी बातें करती हो तुम, छी शर्म नहीं आती तो मैं नीचे दादी बैठी हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। कहती है तो दादी तो नीचे बैठी है ना, हमारे बीच में थोड़ी ना है, तो कुछ तो बनता है। अच्छा कहते हैं अच्छा दूर, ठीक है। श्रुति कहते हैं अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो ऐसे आगे बढ़ जाती है और अक्ष के एकदम करीब, उसके शोल्डर पे श्रुति का हाथ और एक हाथ उसके फेस पे, आँखों में आँखें और अक्ष के दोनों हाथ बिल्कुल नीचे होते हैं। वो मन में सोच रही होती है अगर ये शुरू हो गई ना तो मेरा मुझ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर नीचे जाने में बहुत लेट होगा, मम्मी की डांट पड़ेगी वो अलग, इसे किसी तरह रोकना पड़ेगा। इधर श्रुति कहती है सुनिए तो कहाँ खोए हुए हैं। कहती है हाँ बोलिए। कि जब मैं मूड में आती हूँ तो आप इतना भागने क्यों लगते हो। तो अक्ष कहते हैं क्योंकि जब मैं मूड में होता हूँ तब तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। हाँ तो श्रुति कहती है कि होता हूँ। कहती है हाँ आदत डालनी पड़ेगी ना, अब तो तुम्हारे सामने भी ऐसे बोलना पड़ेगा। खैर तो चलो पीछे जाना है ना, दादी आई है नीचे, कहेंगी पता नहीं कहाँ चले गए दोनों के दोनों। तो श्रुति कहती है अर्ची रुकिए तो सही। ये कह के श्रुति धीरे धीरे अक्ष की बटन खोलने लगती है, तो अक्ष उनका हाथ पकड़ता है और कहते हैं बस इनफ, तुम ना तुम्हें पता है अभी तुम मुझे आधे में छोड़ के जाओगी यहाँ से, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और तुम ना ये मत किया करो मेरे साथ, कुछ नहीं करना, रात को करेंगे जो करना है, ठीक है। रात तक तुम ऐसे इसी साड़ी में रहना और मैं इसी लुक में, ठीक है। अब कुछ अभी कुछ नहीं। तो श्रुति कहती है अजी सुनिए तो सही। कहती नहीं बिल्कुल नहीं, चलो उठो चलो जल्दी नीचे चलो। श्रुति कहती गलत है। तक्ष कहते हाँ जब हम होते हैं मूड में तब भी गलत ही होता है, चलो नीचे चलो। कहती नहीं नो प्लीज। कहती अब बे औरत हो क्या हो बे, हर वक्त नशा चढ़ा रहता है। हाँ क्या खा के मम्मी ने पैदा किया था आपको कि हर वक्त मूड में रहती हो। श्रुति कहती अच्छा मेरा डायलॉग मुझे पे। कहती हाँ तो इस समय तो आप ही हो ना, इस तरह की हरकतें आप कर रहे हो, बताओ बेचारे अबला मर्द पे। हाँ तो श्रुति हंसने लगती है बहुत ज़ोर से, कहती है क्या बोला अबला मर्द। कहती है हाँ अभी मैं खुद को जो है आईने में देखती हूँ ना, मतलब देखता हूँ ना या देखती हूँ, मेरे को तो आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगे हैं इस टाइम पे, तुमने मुझे ऐसा बना दिया, समझ ही नहीं आ रहा लड़की हूँ लड़का हूँ। तो श्रुति कहती है कि जो भी हो तो मेरे ना, तो इतनी टेंशन किस बात की है, जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। दादी के जरिए ही सही ऐसा मोमेंट तो आया ना लाइफ में, मज़ा आ रहा है। आपको इस लुक में देखने का बहुत मन करता था, आज देख रही हूँ, आपको पता नहीं है कि मतलब कैसा फील हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है अंदर से, आई कांट एक्सप्लेन यू। तो अक्ष कहते हैं अच्छा जी, कि हाँ सच में आपको बता नहीं सकती मैं कि कैसी फीलिंग है। ये कह के श्रुति फिर करीब जाने लगती है, तो अक्ष से जोर से हक करते हैं और उसे गोद में उठा के बाहर लाने लगते हैं। तो श्रुति कहती है ये गलत बात है, नहीं प्लीज़ मुझे अंदर रूम में लेके चलो, हमें नीचे उतारो, मुझे थोड़ा तो कुछ करने दो। तो अक्ष कहता है बिल्कुल नहीं, बिगड़ती जा रही हो तुम, बहुत बिगड़ रही हो असली लाल औरत, चलो नीचे बताओ। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, घर में मेहमान आके बैठे हैं, दादी आई हुई है और इनको अश्लीलता सूझ रही है, हद हो गई है।
श्रुति कहती आना आप मेरे पास, बताती हूँ मैं आपको असली लौरा तू ना मैं, आना आप। तो अक्षस ने लगता है कहता तब की तब देखेंगे मैडम, अभी नीचे चलें। तो श्रुति कहती अच्छा एक किस, सिर्फ एक किस, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अक्षन को ले लिए गोद में, एक प्यारी सी किस करते हैं 2 मिनट की। फिर श्रुति कहती उफ मज़ा आ गया। अक्ष कहते हैं अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, मैं भूल गया देना तुम्हें। तो श्रुति कहते हैं क्या, कहते हैं बाद में देते हैं, पहले तुम अपनी लिपस्टिक शेक करो, फैल गई इसीलिए नहीं किस कर रहे थे ना, लेकिन नहीं करो करो करो, ज़िद्द है बस। तो श्रुति कहती है अब आप ही कर दीजिए। तो कहते हैं अच्छा अब मैं गोद में लिए लिए कैसे कर दूँ। तो कहती है अब मैं कैसे करूँ बिना देखे। तो अक्ष फिर उनको रूम में लेके जाते हैं मिरर के सामने, कहते हैं लो करो। कहती नीचे तो उतारो, कहती नहीं नीचे नहीं उतारूँगी, फटाफट करो चलो। तो फिर श्रुति अपनी लिपस्टिक क्लियर करती है, सेट करती है ऑटो पे। तो ये तुम्हारी जो लिपस्टिक है ना ये छोड़ो यार। फिर श्रुति अक्ष के ऑटो को साफ करती है और नीचे लेके आती है, मतलब अक्ष उसको नीचे लेके आते हैं और जीने पे उतार देते हैं सीढ़ियों पे। तो श्रुति कहते क्या हुआ नीचे तक नहीं लेके जा रहे ऐसे। कहते नहीं इतना काफ़ी है चलो नीचे। कहते क्या कैसे अनरोमेंटिक होते जा रहे हो यार आप। कहते हाँ हाँ थोड़ी देर पहले अभी कोई और रोमांटिक हो रहा था। तो श्रुति कहती हाँ तो थोड़ी देर पहले भी अभी मैं रोमांटिक हो रही थी जब आपका मूड ख़राब हो गया। ये यार तुम ऐसे ही करती हो, तुम अभी मेरे साथ कुछ करती जब मेरा मूड बनता तब तुम आधे में ये बोल देती दादी है नीचे पूरा नहीं करना, बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्यों मैं अपने आप को परेशान करूं भाई, चलो नीचे। फिर वो श्रुति को लेके नीचे आती है। तो जैसे ही वो नीचे आते हैं दादी के पास जा रहे होते हैं तभी श्रुति अक्ष को कहती है कि टेंशन मत लीजिएगा आई एम विद यू, कुछ नहीं होगा ठीक है। तो अक्ष कहता है तुम्हारी दादी ना, तुमको पता है मैंने उनसे पूछा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आने में, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। श्रुति कहती है क्या, कि अगर तकलीफ़ हुई होती लल्ला तो क्या तुम ठीक कर दोगे जाके भूतकाल में मेरे, ये जवाब था। तो श्रुति हंसने लगती है, कहती चलो शेर को सवा शेर मिल ही गया। तो अक्ष कहता तेरी तो, श्रुति कहती दादी के पास जाओ मैं चाय लेके आती हूँ। तो अक्ष कहता है बट मैं चाय, तो कहते हैं आपके लिए कॉफ़ी बन रही है जनाब, मुझे पता है आप चाय नहीं पीते, चलिए बैठिए जाके। खैर अक्ष श्रुति तो कह के चली जाती है और अक्ष को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती है और ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है हे भगवान बचा लेना, ये कह के वो आगे बढ़ती है और जाके सबके पास खड़ी हो जाती है। तो वो दादी कहती है उसकी मतलब श्रुति की मॉम का नाम लेके कि सीमा कहाँ हैं आपके दामाद जी, हाँ जब से हम आए हैं लला दिखाई नहीं दे रहा है, लला कहीं चला गया है कहा, यार लला को हमारी बात बुरी लग गई है। तो कहती है नहीं अम्मा यहीं तो हैं, अरे आ गए हैं वॉशरूम से, श्रुति तो कह रही थी वॉशरूम गए हुए हैं तो इतने जल्दी आ गए वॉशरूम से कि हाँ आ गए, कहाँ हैं लला इधर आओ। तो अक्ष जाते हैं दादी का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं यहीं है दादी बताइए कि, अरे तुम कहाँ चले गए थे लला, हम तो तुमसे और श्रुति से ही मिलने आए हैं, आप जरा हमें बताएंगे तो आपकी प्रेम कहानी के बारे में लला। तो अक्ष कहते हैं कि हाँ दादी बिल्कुल बताएंगे, बट पहले आप कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, देन आराम से बैठ के बातें करते हैं। अरे लला
तुम हमारी चिंता ना करो, ठीक है। हम यहाँ आए हैं तुम लोगों के लिए, नाश्ता पानी भी कर ही लेंगे। और क्या बोला तुमने, क्या हाँ तो अक्ष कहती फ्रेश, मतलब थोड़ा सा कहती हाँ हाँ, इतना तो अंग्रेजी हमको भी आवत है, इतना तो हम भी समझ लेते हैं लला, इतना हम बोल नहीं पाते हैं लेकिन समझ लेते हैं लला। तो अक्ष कहती है जी दादी, कहते अच्छा बताओ ना, तुम्हारी आवाज़ लला इतनी इतनी मीठी और इतनी पतली कैसे है। कहती है वो एक्चुअली वो मम्मी बताओ ना क्यों है मेरी आवाज़ ऐसी। तो मतलब वो थोड़ी सी परेशान हो रही होती है अक्ष उस टाइम पे। तो उनकी मम्मी कहती हैं अरे इसके एक्चुअली जो है ना, जो वो भी कंफ्यूज होने लगते हैं कि क्या ही बोलें क्या ही कहें। तो कहती हैं कि एक्चुअली इसके जो वो नानी है ना, मतलब जो इनकी नानी थी, वो उनकी आवाज़ बहुत पतली थी। तो दादी बोलती हैं बहू बेटा तुम हो इसी बातें कर रही हो, हाँ अब नानी की आवाज़ मतलब तुम्हारे मम्मी की आवाज़ ना। तो कहती हैं हाँ अम्मा। तो कहती हैं तो तुम्हारे मम्मी की आवाज़ तो पतली होगी ना, हाँ बहू बेटा। अब वो जो औरत थी तो औरत की आवाज़ तो पतली होगी ना। तो कहती हैं हाँ। तो कहती हैं तो अब उनकी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाती हैं, कहती हैं यार क्या बोलूँ क्या बताऊँ। वो श्रुति की तरफ से, श्रुति चाय लेके आ रही होती है तो श्रुति की तरफ से गुस्से से देखती हैं कि बेचारे में कहते हैं जब इतना सब कुछ कर लिया था तो आवाज़ भी चेंज करा दिया होता। तब थोड़ा दिमाग लगाती हैं वो, कहती हैं कि हाँ माँ वो उनकी आवाज़ बहुत पतली थी ना, तो इनके जो बड़े वाले मामा हैं ना अक्ष के, उनकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी है, इनकी आवाज़ बिल्कुल उन पर ही गई है, ऐसा हुआ है। उनकी भी आवाज़ अगर कोई सुन ले तो कहेगा नहीं कि हाँ आदमी है, सब कहेंगे किसी औरत की आवाज़ है। और हम तो फ़ोन पे जब बात करते हैं अम्मा उनसे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये भैया ही बोल रहे हैं कोई और बोल रहे हैं। तो दादी कहती है अच्छा ये बात है, तभी लल्ला की आवाज़ ऐसा हो गई है, हम समझ नहीं पा रहे थे। चलो और लल्ला जी ने बाल भी बढ़ा लिए हैं, तो अगर ये बातें करें किसी से बाल खोल के और पीछे से कोई इन्हें देख रहा हो तो लड़की समझेगा। तो सब कहते हैं हाँ ये बात तो है। तो श्रुति आती है कहती है अरे पता है दादी आपको कि का बिटिया रानी, तुमने तो बताया नहीं तो हमको पता कैसे होगा बिटिया रानी। तो कहते हैं कि जब पापा ने इनको पहली बार देखा था तो ये ऐसे ही खड़े थे बाल खोल के, पापा ने पीछे से इनको लड़की समझ लिया था और पापा हम पे बिगड़ गए, कहने लगे जे क्या है। तो फिर हमने पापा को समझाया तब पापा माने हैं। तो कहते हैं कि अच्छा जे बात, तो ई बात हुई गवा, ई का नाते जो है इनकी आवाज़ ऐसे है, लला कौनो बात नहीं, इंसान की आवाज़ से शक्ल से सूरत से कछु नहीं होता है, बाकी तो नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। आप देखो हम देखेंगे तुम कितना प्यार करते हो हमारी बिटिया रानी से, तब हमको तसल्ली होगी, ठीक है। वैसे तुम का काम काज करते हो। तो कहते हैं नो, श्रुति कहती है दादी पहले ये चाय पीजिए उसके बाद जाके नहाइए धोइए, उसके बाद हम लोग बैठ के बातें करेंगे, तब तक हम खाना रेडी कर लेते हैं। तो अक्ष कहते हैं हाँ श्रुति और हम आपकी हेल्प करा देते हैं। तो दादी कहते हैं
काहे लल्ला तुम काहे हेल्प कराओगे। तो कहते हैं तो श्रुति क्या अकेले करेंगे दादी, कि हाँ मर्दों का काम किचन में जाना नहीं होता है, रसोई घर में खाली औरतें काम करती हैं, बच्चा लल्ला ये काम नहीं करना, आदमियों को बाहर का काम सुबह देता है और औरतों को रसोई का, ठीक है। तो उस समय तो कुछ नहीं बोलते, उन्हें गुस्सा तो बड़ी तेज आता है इस बात पे। वो श्रुति को देखते हुए हैं, लेकिन श्रुति उन्हें थोड़ा शांत कराते हैं। खैर कहते हैं कि वैसे दादी अगर रब बुरा ना माने तो एक बात कहें। कहती हाँ लल्ला बिल्कुल कही है लाहंत की दादी, वो तो बहुत पुरानी बातें थी ना, अब तो लड़के लड़की में क्या ही फ़र्क है। और श्रुति को हमेशा मैंने अपने बराबर का दर्जा दिया है, क्या लड़का और क्या लड़की। तभी उनकी मॉम भी बोलते हैं अक्ष के कि हाँ अम्मा इसमें क्या बात है, श्रुति हमारे लिए हमारी बहू तो है नहीं, हमारी बेटी जैसी है। तो वो उसके साथ अगर कोई हेल्प करा देगा तो इसमें क्या दिक्कत है। तो दादी कहती हैं हमको बहुत खुशी हुई कि श्रुति ने अपने लिए बहुत अच्छा परिवार ढूंढा है, लेकिन लल्ला तुम पूरे दिन बाहर काम करके फिर उसके साथ किचन में काम कराओगे, तुम्हारे लिए भी तो काम अपने हेल्थ ज़रूरी है। कहती है दादी सब मैनेज हो जाता है, और श्रुति हमारी इतनी केयर करती है कि हमें कभी थकान महसूस ही नहीं होती। वैसे भी श्रुति हमें ज़्यादा काम करने नहीं देती है, हम तो थोड़ी बहुत बस हेल्प करा देते हैं उनकी। कहती हैं अच्छी बात है, हम तो बस ये बोल के आपको परखना चाह रहे थे लल्ला कि आप क्या सोचते हो। अच्छा लगा हमको कि आपने श्रुति को अपने बराबर का दर्जा दे रखा है, लेकिन श्रुति अगर तुमको इतना अच्छा पति मिला है तो तुमको भी उसकी कदर होनी चाहिए। कहती हाँ दादी हमको तो इनकी बिल्कुल कदर नहीं है, आप तो ऐसे कह रही हैं। तो कहती हैं तुमको अभी बहुत मारेंगे हम, बाकी हैं तो तुम्हारा पति नमूना। तो कहती हैं क्या दादी, अक्षय कहती क्या दादी कहाँ से नमूने हैं हम आपके लिए। कहती हैं बताएंगे बेटा हम तुम्हें, लल्ला सब्र करो अभी तो हम यहाँ हैं ना, आराम से हम तुमको बताएंगे तुम कैसे नमूने हो। क्या इतनी बातों बातों में चाय कॉफ़ी वगैरह सब हो जाती है। देन श्रुति कहती है चलिए दादी हम आपको लेके चले, आप नहा लीजिए फ्रेश हो जाइए, मम्मी आप भी हो जाइए, और जो ये तुम नीचे वाला वो रूम खाली है उसमें निशा है अभी तक उठी नहीं है, उसको उठा दो और जाके उसी में फ्रेश हो जाओ, और अपने कपड़े और सामान भी वहीं रख लेना, और मम्मी आप मेरे रूम में हो जाइए। तो अक्ष की मम्मी कहते नहीं ये मेरे रूम में फ्रेश हो जाएंगी ना, आप दादी को लेके जाओ अपने रूम में। तो कहती हैं और फिर दादी कहाँ ऊपर चढ़ेंगी, तो तुम यही नीचे वाले रूम में हर्ष के रूम में फ्रेश हो जाएंगे। तो उनकी दादी बोलती हैं श्रुति की अरे तो हमको श्रुति के रूम में नहीं जाना है, हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम छू के महसूस तो कर ही सकते हैं ना कि इनका रूम कैसा है। तो अक्ष कहते हैं बिल्कुल दादी आप क्यों नहीं जाएंगी श्रुति के रूम में, बिल्कुल जाएंगी हम लेके चलते हैं। कहते हैं लेकिन लल्ला तुम ऊपर रहते हो हमको कैसे लेके चलोगे तुम। तो अक्ष जो है वो दादी को गोद में उठा लेते हैं, दादी कहती अरे बचवा तुम हमको गिरा दोगे, नीचे उतारो भाई तुम हमको गिरा दोगे। तो अक्ष कहते हैं कुछ नहीं होगा दादी, भरोसा रखिए आपकी पोती को कई बार उठा के जा चुके हैं ऊपर। तो दादी कहती हैं बिल्कुल बेशरम इंसान हो, हाँ शर्म नहीं आती है तुमको। तो अक्ष बोल के तो चूक जाते हैं, श्रुति भी झेप जाती हैं बिल्कुल कि अक्ष ने क्या बोल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनके इस बात पे, दादी इनके क्या हाल करती हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।